कहते हैं हम अपने दोस्त और दुश्मन चुन सकते हैं पर अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। आज हम आपको ऐसी ही एक पड़ोसी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सगा बनकर अपने पड़ोसी के खून पसीने की कमाई को ही लूट ली है। इसका दाम हमको बताया गया, हमको नहीं माने कि मैडम को बताया गया 22,500 रुपया लगा है। कि भाभी आपको भैया का सीरियस है बहुत कंडीशन, आपको पैसा डेली का एटलीस्ट 1,00,000 रुपए जमा करना पड़ेगा कैश में। आप समझिए कि कैसे आपको व्यवस्था करना है, नहीं गलत मामला भी आ गया, ज्यादा खराब कंडीशन हो गया तो आपको शायद घर भी बेचना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण ने इंसान की इम्यूनिटी को तो कमजोर किया ही, रिश्तों को भी कमजोर कर दिया। ये जो समाज है जो खुद को हर जाति से ऊपर मानता है, आज ये जानवरों से भी बदतर रूप ले चुका है। ये समाज संवेदनहीन हो चुका है। इंतजार बस इस बात का हो रहा है कि कोई गिरे और हम उसे अपना निवाला बना ले। ताजा मामला राजधानी रांची का है जहां एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से इलाज के नाम पर 10,00,000 रुपयों की ठगी कर लेता है। दरअसल इस पीड़ित परिवार का मुखिया कोरोना संक्रमित था, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, घर में कोई दौड़ भाग करने वाला नहीं था। ऐसे में यह परिवार भरोसा जताता है अपने उस पड़ोसी पर जो शायद परिवार के किसी सदस्य से कम नहीं था। लिस्ट दिया गया कि इतना आदमी से हम कर्जा लिए हैं, सो आपका ट्रीटमेंट के लिए। कितना टोटल अमाउंट था इसका लिए? तो करीब 12-13 लाख रुपया कहीं से कर्जा लिया गया, अलग अलग रिलेटिव से, दोस्त से और जिससे भी। माने अजीत जी का कहना था 2 दिन के बाद कि 1,00,000 रुपया लगभग आपको हर रोज देना होगा, जो कि हमको जानकारी नहीं था। मैडम को और बच्चे को इस तरह से टॉर्चर करके हर रोज 1,00,000 रुपया ले जाते थे। बीच में एक दिन जो है सो मैडम बच्चा को रात में 9:30-10 बजे आकर के बोले तो उनको रेमडेसिविर का जो है ना 4 इंजेक्शन तो लग गया है, जिसका के दाम पहले जो लगा था उससे ज्यादा अबरी बार लगेगा, सो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अब कहानी का अगला हिस्सा समझने के लिए आप इस ऑडियो को सुनिए और समझिए कि ये साहब कितने बड़े वाले खिलाड़ी हैं, कैसे एक लाचार व्यक्ति को ठग रहे हैं, कैसे वो इसकी बोटी बोटी नोचकर खा जाना चाहते हैं। हो रहे हैं क्या करें, उनका पैसा वापस जल्दी कर दीजिए, जितना जल्दी लोग थाना गए, ठीक है ना? आप बोले कि उनका पैसा वापस हो जाएगा, थाना में है सबको, वहाँ थाना अरगोड़ा थाना गया हुआ, ठीक है? उनका पैसा वापस कर दीजिए तो खत्म हो जाएगा। अभी कभी पैसा वापस कीजिए, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। हम कितना पैसा वापस करें भाई? कितना पैसा आप एक्स्ट्रा लिए हैं हॉस्पिटल के अलावा? हेलो हेलो, कितना पैसा बोल रहा हूँ वापस करने? कितना है आपका? 1,15,000 के अलावा जितना लिया, 10,00,000 लिए, टोटल 9,00,000 के आसपास का आपका एक्स्ट्रा बिल है, वो पैसा वापस। क्या बोला कि 9,00,000 रुपया वापस करने? हाँ, पैसा वापस करने बोले। अरे कितना है? 9,00,000 रुपया। 1,15,000 आप 10,52,000 कितना लिए? 10,82,000 लिए है ना? 10,82,000 में 1,15,000 माइनस करके जितना पैसा निकल रहा है वापस करने, 10-15,000-20,000 रहा तो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर 9,00,000 आपको वापस करना है। ललित जी बोल रहा है? हाँ ललित जी बोल रहे हैं, ठीक है चलिए हम बात करते हैं। यहाँ कहानी कुछ ऐसे समझिए कि ये जो साहब हैं दावे कर रहे हैं कि महंगी सुइयां लगाई गई हैं, दवाइयां महंगी इस्तेमाल की गई हैं, वो सरासर गलत है। अस्पताल प्रबंधन सिरे से इनके दावों को खारिज कर रहा है। क्या बोलना चाहिए? मेरे पास सुनिए, क्या बोलना चाहिए? पेशेंट आपका था, ट्रीटमेंट हम लोग के पास हुआ, ठीक है? ना रेमडेसिविर को जान रहे हैं, ना किसी मेडिसिन जान रहे हैं, बाकी आप लोगों का क्या लेन देन हुआ था नहीं पता, आप पैसा नहीं आके, ठीक है? जितना पैसा देना था आप दिए हमको, बाकी का बिल जो आप 10,17,000 हमको दिए हैं उसमें मैं 1 रुपया नहीं, जो मेरे हॉस्पिटल के 1,20,000 है वो जानते हैं, बाकी 9,00,000 का बिल। हालांकि महाशय को अपनी पोल खुल जाने का डर भी है, बार बार दावे करते दिख रहे हैं कि डॉक्टर से ना बात करें वरना इनका पर्सनल रिश्ता खराब हो जाएगा। अब इन सबसे परे इनकी जरा सी लालच ने दो परिवारों को तबाह कर रखा है। एक तरफ इनकी पत्नी है जो हर किसी को जवाब देते परेशान, शर्मिंदगी से आंखें नहीं मिला पा रही, दूसरी तरफ ये पीड़ित परिवार जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। चीजों से तो कह नहीं सकता, वो कुछ पता नहीं है। वो बीमार पड़े, बीमार पड़ने के बाद हैवी रिक्वेस्ट इनके पास आया कि उस टाइम जो था स्थिति कि कहीं किसी तरह से कोई मैन पावर उनके घर में नहीं, बाहर से भी कोई हेल्प नहीं मिल सकता है, तो
तो चूंकि मेडिकल लाइन में है तो आपके थ्रू क्या हो सकता है आप पर कीजिए। ये बहुत सारा चीज बोले कि मेरे भी बस की बात इतना है नहीं, क्योंकि अभी का जो टाइम है ये कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी एक जो हैवी रिक्वेस्ट होता है कि नहीं आप देखिए आप कीजिए, और जो घरेलू टाइप की बात होती है कि आप भगवान हैं मेरे लिए, ये हैं वो हैं, आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी चीज़, हम लोग भी उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी अपील यही है कि आपदा की इस घड़ी में इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए, फिर चाहे अस्पताल प्रबंधन हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर आरोपित पड़ोसी। साहब, विपदा की इस घड़ी में जरूरत है कि अपने अपनों के साथ खड़े रहें। लाइव 7 के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।